हेलो एवरीवन, आईटीआई भारती स्किल यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई वेल्डर फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो फर्स्ट सेम सेकंड सेम का हम मैराथन लेके आए हैं, क्योंकि कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। केवल इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन बताएंगे और आपको ऑप्शन से देख सकते हैं, और इसके बाद आपको राइट आंसर में कमेंट करके बता दूँगा कौन सा राइट आंसर होगा। यही हमारी सारे क्वेश्चन में प्रोसेस चलेगी। आशा करता हूँ वीडियो के एंड तक बने रही है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल चल रही है, तो इसका मतलब ये सुपर फास्ट रिवीजन है। ठीक है, तो ये रिवीजन के तौर पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोशिश करेंगे एक या दो वीडियो में पूरा का पूरा वेल्डर थ्योरी कम्प्लीट हो जाए इमीडिएट। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो को सपोर्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करना। चैनल पर दोस्तों, अगर पहली बार भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है। तो हम दोस्तों सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया, काटने के बाद एक प्लेट से जो होता है बर्स निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए, आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी फाइलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन, पूछा गया किसका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किया था। तो देखिए ऑप्शन दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन है, ये मानकर चले एग्ज़ाम से ये अगर पूरी पीडीएफ अगर देख के चले गए तो आपका पूरा थ्योरी कम्प्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी सुपर फास्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, चिमटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया एक हथौड़ा दिया गया, आप देखिए यहाँ पर। तो इसमें दिया गया कौन, ये हथौड़े का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, चार ऑप्शंस हैं, फैन, पेन, चीक या वेज। तो इसका राइट आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होगा, वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है। देखिए ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, हाथ के दस्ताने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लेम्प का प्रकार कौन सा है। तो इससे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया, क्लेम्प का प्रकार बताना। तो ये आपका रहा चित्र, इसमें चित्र दिया गया है, इसमें आपको देखकर बताना ये कौन सा क्लेम्प का प्रकार है। तो कमेंट करिएगा जल्दी से, जल्दी से देखकर ऑप्शंस देखिए और कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्या, सी क्लैंप है। कैसा दिख रहा है, सी क्लैंप, सी जैसा दिख रहा है, इसको लो सी क्लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर छः नंबर का क्वेश्चन, पूछा गया किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समानांतर होती है। तो देखिए चार ऑप्शंस, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर, क्योंकि ये मैराथन क्लास है, इसमें समझाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, इसके बाद सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा। और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि हम जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी सहयोग बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या, हैंड फाइल, इसका क्या होगा, हैंड फाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन, पूछा गया कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है। तो किसका करेंगे, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा हमारा, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में दिया 15 मिलीमीटर मोटी एम एस प्लेट को काटने के लिए किस नोजल का प्रयोग किया जाए, आकार के नोजल का प्रयोग किया था। देखिए चार नोजल के साइज़ दिए गए, इसमें से राइट आंसर कमेंट करना है, जल्दी से बताइए। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, 1.2 मिलीमीटर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया ऑक्सासेटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, 3000 से लेकर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन में यहाँ पर चित्र दिया गया है।
यहाँ देखा पोर्टेबल कटिंग मशीन में एक्स से जो भाग जो इंगित है इसका नाम बताना है। तो जैसे कि आप देखिए, और ये रहे आपके ऑप्शंस, आपको राइट आंसर कमेंट करना है जल्दी से। तो इसका राइट आंसर वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या लंबवत नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पर आ चुका है। 11 नंबर में दिया गया है हेक्सा कटिंग करते समय क्या सुरक्षा उपाय की किया जाना चाहिए। देखिए चार ऑप्शंस, कमेंट करिए राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, यानी क्या होगा हमारा, ब्लेड पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 12 नंबर आ चुका है। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है। तो देखिए चार ऑप्शन हैं, कमेंट करिए इसका राइट आंसर जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, फ्लेम के कारण जलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप भाग एक्स से जो इंक चिन्हित है उसका नाम बताना। तो ये देखिए आपका ये चित्र रहा, और आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर। देखिए चार ऑप्शंस हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। जो मैं आपको बताता हूँ राइट आंसर, मतलब जिसका इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन काटने वाली नियंत्रण बल्ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन में, जब चित्र में दिखाए गए कौन से नोजल के प्रति स्थापन की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन से दिए गए, ए बी सी डी, चार नोजल दिए गए, इनका ऑप्शन से यहाँ दिए गए हैं। तो आपको कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नोजल डी होगा, नोजल डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर का यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया, देखिए यहाँ पर चित्र में दिए गए नोजल में अच्छी स्थिति के नोजल को दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, अच्छे नोजल को कौन सा, ए बी सी डी में से कौन सा दर्शाता है, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, नोजल सी दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर। क्वेश्चन में दिया गया रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने प्रेशर गैस होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, चार प्रेशर गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट करना आपको राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए यहाँ पर एक मिनट, क्वेश्चन में पूछा गया गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, देखिए चार ऑप्शन दिए, कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद बाल्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, किस सामग्री का करेंगे। देखिए चार सामग्री देंगे, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सॉलिड ड्रॉन स्टील का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका करेंगे, देखिए चार धातुएं देंगे, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, तांबा यानी कॉपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका। क्वेश्चन पूछा गया एक डबल जे बट जॉइंट के लिए कौन सा कोड होना चाहिए, कितना कोड होना चाहिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिए वेल्ड बीत पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम क्या है। तो देखिए चार ऑप्शन है, आपको कमेंट करना राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर किस नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, सुदृढ़ीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन, पूछा पिघली हुई धातु को शामिल करने के लिए एक वेल्ड की जड़ में क्या रखा जाना चाहिए। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार ऑप्शंस दिए, राइट आंसर कमेंट करिए। तो उसका राइट आंसर वो हमारा का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी बेकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पास हुए हैं। क्वेश्चन में दिया गया फाइलों की किस कट में दांतों की दो पत्तियां आपस में तिरछी होती हैं, तो किस में होती हैं। देखिए चार ऑप्शन हैं, कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर वो हमारा क्या होगा, 23 नंबर का बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, डबल कट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर पर आ चुके हैं। 24 में दिया है हेक्सा ब्लेड में 1.00 मिलीमीटर पिच के साथ किस प्रकार के ब्लेड सेट का उपलब्ध होता है। देखिए चार सेट दिए गए, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा, वेब कंपित सेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में देगा समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए चार कटिंग टूल्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्लैट चीजल इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पर आ चुके हैं, इसमें दिया गया हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है, तो किसके लिए लाया जाता है। देखिए चार ऑप्शन से राइट आंसर कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन है, आप क्या करेंगे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को याद कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये मैराथन के तौर पर आपको दे रहे हैं वीडियो। और वीडियो को जरूर शेयर करें, सपोर्ट करें, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी सहयोग बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर बेंच वाइज को कड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर बेंच वाइज को कड़ा कर दें क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पिंडल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया बिजली का झटका झेलने वाले व्यक्ति को आपको क्या उपचार देना चाहिए, तो क्या कौन सा उपचार देखें। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए दिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको दिखाते हैं बाकी जो ऑप्शन तीन, और तीन ही ऑप्शंस आपके ये रहे बी सी और डी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 28 का डी इज़ राइट आंसर, गर्म और आरामदायक रखें। कैसा रखें, जब अगर किसी विद्युत का झटका लग जाता है तो उसको गर्म और आरामदायक रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट के बीच एक जो होता है पेडेस्टाल ग्राइंडर में कितना अंतर रखा जाता है, तो कितना अंतर रखा जाएगा जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितना रखेंगे, 2 से लेकर 3 मिलीमीटर तक रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पूछा गया सिलेंडर जो वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए चार दिए गए ऑप्शंस, आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसका ऊपर, स्पंडल की का उपयोग करते हैं, किसका, स्पंडल बी इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एसेटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो किसका उपयोग करेंगे। देखिए चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, साबुन का पानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में दिया, यदि कोई व्यक्ति अभी भी विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए चार ऑप्शन से दिए गए, आपको राइट आंसर बताना है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि हैक सोइंग या चिजलिंग के बाद उंगलियों को धातु के टुकड़े की चोट से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो क्या करेंगे। देखिए चार ऑप्शंस, आपको राइट आंसर बताना। तो उसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, या हमारा क्या होगा, डी बोरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पर आ चुके हैं।
क्वेश्चन में दिया गया है वेल्डिंग करते समय फायर बैग को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि है। तो देखिए चार विधियाँ दी गई, आपको सही विधि बताना तो बताइए। तो इसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व बंद करें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर पे, क्वेश्चन में दिया गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाएगा। देखिए ऑप्शन से दिए गए, आपको कमेंट करना। तो उसका राइट आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी चीजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, क्वेश्चन में दिया गया अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप गैस वेल्डिंग में क्या सावधानी बरतेंगे। चार सावधानी दी गई, आपको राइट आंसर बताना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या करेंगे, ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखें, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, क्वेश्चन में दिया गया शरीर के प्रभावित हिस्से को किस साफ कपड़े से तुरंत ढकना चाहिए। तो किससे ढकना चाहिए, देखिए चार ऑप्शन से दिए, कमेंट करिए। तो सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी जलने की चोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम सीधा 38 पे क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और वीडियो को शेयर करते चलें। वेल्डिंग करते समय वेल्डर के कपड़े या तेल या ग्रीस से मुक्त क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, देखिए चार ऑप्शन से देखिए, कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, क्या होगा, आग से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 में दिया गया, मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 39 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक चिकित्सा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड के साथ किस प्रकार की वेल्डिंग एक स्मॉल हैंड वेल्ड गुड़ द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा करेंगे, देखिए चार ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, यानी कि GTAW इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन में दिया गैस कटिंग टॉर्च में दोषपूर्ण कटिंग नोजल को कैसे साफ और सुधारा जा सकता है। तो कैसे सुधारा जा सकता है, चार ऑप्शन से आपको बताना राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोजल क्लीनर प्लस एमरी पेपर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में पूछा गया है कि प्लेट की मोटाई क्या है जिसे 0.8 मिलीमीटर कटिंग नोजल का उपयोग करके काटा जाता है जा सकता है। तो देखिए चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अप टू 6 मिलीमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, स्टील के अंदर वाटर अंडर वाटर गैस कटिंग के लिए कौन सी गैस लो संयोजन बेहतर है। तो कौन सी होगी, देखिए चार ऑप्शन में से। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, ऑक्सीकोल गैस का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को सुरक्षित भंडार के लिए विशेष विधि क्या है। तो चार ऑप्शन से आपको कमेंट करना राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या करेंगे, तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेट वी वेल्ड कट बनाने की विधि क्या है। तो क्या विधि होगी, देखिए चार विधियां दी गई, आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, एक गाइड के रूप में दो सीधे बार का उपयोग करना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्पन्न एसिटिलीन गैस में निहित अशुद्धियाँ क्या हैं। तो निहित अशुद्धियाँ क्या हैं, देखिए चार ऑप्शन हैं, आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन चूना धूल अमोनिया और आपका यहाँ जल वाप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन में देगा एसिटिलीन गैस शोधक के नीचे ले
डब्बे में कौन सी सामग्री संग्रहित रहती है? तो कौन सी रहती है, देखो चार दिए गए ऑप्शंस, फिल्टर वूल दिया गया है ऑप्शन ए है, और यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया, सी दिया गया और डी दिया गया, आपको बताना राइट आंसर कमेंट करके। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहा है हमारा 47 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या प्यूमिस स्टोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यूमिस स्टोन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है, इम्पोर्टेंट है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर वो हमारा होगा 48 का ए इज़ राइट आंसर, क्या होगा स्पॉट वेल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वेल्डिंग करते समय अल्ट्रा वायलेट किरणों के चेहरे की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया था, इम्पोर्टेंट है, तो किसका करेंगे, देखिए चार ऑप्शंस हैं आपको बताना राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है हैंड शील्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है हमारा 50 का ऑप्शन नंबर डी है ना, सफ़ेद चश्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म स्वेटर से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करेंगे, देखिए चार ऑप्शन हैं आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो उसका राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेदर एप्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया इम्पोर्टेंट है कि रूट गैप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, तो चार ऑप्शन से आपको राइट आंसर बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर डी, पेनिट्रेशन की गहराई बढ़ाने के लिए, इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया फ्यूजन जोन क्या है, तो फ्यूजन जोन क्या है देखिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो राइट आंसर है 53 का ऑप्शन नंबर डी, या संयुक्त की सतह इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरफेस ऑफ जॉइंट। क्वेश्चन में दिया गया वेल्डेड वीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था, तो किसका उपयोग करेंगे, तो 54 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या करेंगे चीपिंग हैमर इसका करेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 55 का दिया गया, ऑक्सीकरण लॉ का उपयोग क्या है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है 55 का ऑप्शन नंबर बी, पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, तो उसमें दिया गया एक्स जो अंकित जो भाग है इसका नाम बताना, तो ये रहे आपका ऑप्शन, राइट आंसर कमेंट करो 56 का। तो राइट आंसर है फ्रेम लंबाई समायोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हथौड़े का उपयोग करते समय दुर्घटना के मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन से देखते हैं इसके क्या क्या दिए गए हैं। तो ये आपका हथौड़ा दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है, एक बार रिपीट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हथौड़े का उपयोग करते समय दुर्घटना का मुख्य कारण क्या, मुख्य कारण के बारे में पूछा गया, ठीक है थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको रिपीट बता रहा हूँ, ये ऑप्शंस हैं आपको राइट आंसर कमेंट करना। वो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हुआ ख़राब ढंग से फिट या टूटा हुआ हैंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 का, गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपयोग उपाय हैं, तो क्या उपाय हैं देखिए चार उपाय दिए गए, इसमें से आपको राइट आंसर बताना। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ज्वलनशील पदार्थों से मुक्त कार्य क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर की चमक के कारण आँखों में जलन होने वाले व्यक्ति के लिए क्या उपचार है, तो चार उपचार दिए गए आप बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर बी, आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें।
अगला क्वेश्चन दिया गया, उच्च दबाव के कारण एसिटिलीन जनरेटर के विस्फोट से बचने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया गया जाता है। तो कौन सा उपकरण लगाया जाता है, चार उपकरण है, उसको आपको सही से कमेंट करके बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 का सी, क्या होगा हमारा हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न दिया गया है कि गैस कटिंग की प्रक्रिया में किस प्रकार की गलती, इसमें से इस प्रकार की कटिंग एज के उत्पादन करती है। तो देखिए चार ऑप्शंस हैं, आपको का राइट आंसर कमेंट करना है। तो 61 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्या होगा हमारा नॉक टिप प्लेट से बहुत अधिक ऊंची होना। ठीक है, ये हमारा 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक वेल्डर उस किरणों के संपर्क में आता है तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ेगा। ऑप्शन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 62 का, वो हमारा क्या हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर, आँखों पर प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर गैस काटने की प्रक्रिया में अनियमित जो ड्रैग लाइन के बनने का क्या कारण है। तो यहाँ दे सकते हैं 63 नंबर ऑप्शंस आपके दे सकते हैं, और ये डायग्राम दिया गया है। तो 63 नंबर का जो आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा कम ऑक्सीजन का दबाव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन में दिया गया, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 64 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्टेप डाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी है, आपको बताना राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा 65 का, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी समतल है, यानी करेक्ट, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, बताया इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा 66 का ए नंबर, यानी रेक्टिफायर सेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में, वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है 67 का वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा मिश्र धातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाता है, कितना सेट किया जाता है। चार ऑप्शन है, राइट आंसर बताएंगे 68 का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 68 का, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, यानी 110 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 69 या 69, इसमें वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूज़न की गहराई के लिए शब्द क्या है। तो गहराई के लिए शब्द पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ए देख लीजिएगा, और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी और डी, तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होगा 69 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी पेनिट्रेशन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी, डबल वेव वल बट जॉइंट के लिए कोण कितना होना चाहिए। तो आर ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको बताना राइट आंसर। राइट आंसर हमारा होगा 70 का ए, यानी 45 डिग्री का राइट आंसर, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक ही लेवल में दो अगर मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो दो जॉइंट का नाम क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा बट जॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये एक मैराथन क्लास है, जितना आप प्रैक्टिस के तौर पर हमने आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सुपर फास्ट रिविज़न, जिससे कम समय में आपको कम ज़्यादा समय में लगेगा, ज़्यादा वीडियो बनेगी, तो इसलिए हमने कम समय में शॉर्ट
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया वेल्डिंग का प्रतीक एग्ज़ाम में पूछा है, क्वेश्चन है तो कौन सा प्रतीक है जल्दी से कमेंट करें। तो राइट आंसर हमारा 72 का डी होगा, इसको बोलते हैं बकिंग रन और वेल्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये डायग्राम संबंधी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये भी पूछेगा, वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है। तो देखिए चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए, आपको बताना राइट आंसर कमेंट करके। तो जल्दी से बताएं 73 नंबर का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, काउंटर सरफेस जो होगा चिप्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया जा गया है। तो क्या परिभाषित किया गया, तो 74 का जो आंसर होगा सी इज़ राइट आंसर, 3 इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर का, वेल्डिंग के केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर डी, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, TIG जो होता है वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर 76 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हीलियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया ओवरहेड जो होता है वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहनना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा 77 का ए, हेलमेट पहनना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है, तो कौन सी आग सहायता नहीं करती है। देखिए चार ऑप्शंस हैं, तो उसका जो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा, सहायता नहीं कर, आग मतलब पकड़ने में सहायता नहीं करती वो नाइट्रोजन, बाकी ईंधन ऑक्सीजन और इनिगेशंस जो होते हैं ये प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 79 का दिया गया है, एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताएं, कमेंट करते हैं, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 79 का सी इज़ राइट आंसर, विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा पोलरिटी क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, करंट की दिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना 80 का हमारा क्या होगा बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, करंट की दिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए चार ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कम पेनिट्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंगे तार जो होते हैं इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग करेंगे, चार ऑप्शन से दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हुआ है 82 का क्या हो जाएगा ए इज राइट आंसर है, सीधी ध्रुवता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड ज्वाइंट का क्या नाम है। तो इसमें देखिए उसका नाम बताना है, यहाँ पर चार ए बी सी डी दिए, इस प्रतीक ए वाले का पूछा गया है, प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड ज्वाइंट का नाम बताना है कौन सा है। तो देखिए चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए, तो 83 का जो राइट आंसर होगा हमारा 83 का बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बी करेक्ट होगा, यानी स्क्वायर बट वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, इसमें अब देखिए यहाँ पर दिया गया डी में दिखाए गए प्रतीक चिन्ह का जो संयुक्त प्रकार का प्रतीक चिन्ह का आपको नाम बताना, जो डी में दिखाया गया ए बी सी डी में जो डी दिखाया गया इसका नाम बताना। और ये ऑप्शंस आपके रहे, ऑप्शन ए हमारा है अवतल फिलेट, और यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक मिनट, ऑप्शन बी दिया गया सी बी सी और डी। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा 84 का डी इज़ राइट आंसर होगा, जो डी वाला है ये होगा हमारा का फ्लैट वी बट वेल्ड बैकिंग रन के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है एमएस पाइप के दो प्रकार क्या हैं। तो क्या आप दो प्रकार होंगे 85 के,
तो 85 का क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें होगा सिमलेस पाइप और रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 का आ चुका है ऑप्शन सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है। तो सी में जो दिखाया गया प्रतीक है इसका नाम बताना क्या है, जैसे कि आपके सामने ये दे रखा है इसका नाम बताना। तो ये ऑप्शन से रहें तो जल्दी से कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर ए, अवतल फिलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया 87 में दिया है किस प्रकार के इलेक्ट्रोड छोटी सी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है। तो किसका करेंगे, देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 88 क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है। तो किस में पैदा करती है, 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाए, यानी लघु आर्क की लंबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 89। एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हमारा 89 का क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट आंसर, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है किस आर्क की लंबाई सही फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो ऑप्शन बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर होगा 90 का आंसर, सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य आर की लंबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया अलोह धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग करेंगे, तो चार ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर कमेंट देना। तो 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बी, विपरीत ध्रुवता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 92 का क्वेश्चन आ चुका है। यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या उपयोग करेंगे। देखिए चार ऑप्शंस हैं, इम्पोर्टेंट है तो इसमें से आपको बताना। 92 का ये है, दो ऑप्शंस ये रहे यहाँ पर। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंजन जनरेटर सेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 93 का। ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण कितना रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 93 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है। तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 94 का ऑप्शन नंबर ए, लंबी आर्क की लंबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का एक। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर 95 नंबर। पतली सीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करेंगे, 95 का। तो 95 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, लंबी आर्क की लंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करें, ये आपका सुपर फास्ट डिवीजन, आपको राइट आंसर कमेंट करना और देखते जाना है कौन सा राइट आंसर अगर नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा 96 का सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में जो भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है, तो देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 98 नंबर पर। क्वेश्चन में दिए गए कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 98 का सी इज़ राइट आंसर, विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए। तो कितना कोण होना चाहिए, 99 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट ये भी है। तो 36 स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण कितना होना चाहिए, तो 100 का जो आंसर हो गया हमारा सेंचुरी हो चुकी है, सी इज़ राइट आंसर, 70 से 80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
यहाँ पर 102 आ चुका है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 3.15 मिलीमीटर मोटी दीवार के साथ 50 मिलीमीटर व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार कितना होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा कितना हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कितना होना चाहिए, 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन में देखा है वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन और रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे 104 का, तो इसको करेक्ट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, आर्क क्या छटके का नियंत्रण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रो जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रण किया जाता है, तो चार दिए गए आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्क का झटका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्वेश्चन को जो दिए गए चित्र में आपको दोष क्या लगता है, कौन सा दोष है ये आपको बताना, तो चित्र को देख लीजिए जॉब को इसको अच्छे से, और ये रहा आपके ऑप्शंस, आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्क का झटका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से जॉइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए चार ऑप्शन है, तो जल्दी से बताएं, तो इसको राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाएगा, यानी टी जॉइंट, लेप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया यदि रूट की लंबाई प्लेट की लंबाई से 1/6 कम है तो क्या होगा, तो देखिए चार ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कमेंट करिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हमारा होगा यहाँ पर, बेस मेटल जॉइंट के तल तक फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 110 पे वापस चुके हैं, किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है, तो कौन सी करती है, देखिए चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लघु आर्क की लंबाई। सभी साथी कमेंट करते चलना, ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पेटर जो होता है स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए, तो कौन सा करेंगे, तो बोलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य आर्क की लंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में देगा डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है, इंपॉर्टेंट है, बताए इसका राइट आंसर 112 का। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, अतिरिक्त स्पेटर और खराब पेनिट्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं, तो कैसे नाम देंगे, चार ऑप्शन दिए गए आपको बताना राइट आंसर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सौ चौदह नंबर का आ चुके हैं। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव होगा, तो जैसे कि आपको चित्र दिया गया और ये रहे आपके ऑप्शंस, आपको बताना है राइट आंसर।
तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्क इसके मूल पथ से भटक जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में पूछा गया आर्क वेल्डिंग में उपकरण को डीसी से डीसी में बदलने में कौन सा दोष होगा। तो देखिए चार ऑप्शन से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, कमेंट करते चलिए और मैं आपको राइट आंसर कमेंट करता चलूँगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, जल्दी से कमेंट करें, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाए, आर्क ब्लो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन में दिया गया चाप वेल्डिंग में 3.15 मिलीमीटर व्यास का एमएस इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या होनी चाहिए। तो देखिए चार ऑप्शन है, तो करंट सीमा हमें बताइए कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, 100 से 110 एम्पियर तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का क्या नाम है। तो अंतिम बिट का नाम बताना, तो उसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो भी करेगा राइट आंसर स्टब एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील पाइप में कितने समूह होते हैं। तो उसका जो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें कितने समूह होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर, दो समूह होते हैं, कितने दो समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट करेंगे, 119 का है, तो उसका जो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, बाहरी डायमीटर इंटू इनर डायमीटर इंटू लंबाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 6 मिलीमीटर मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण क्या होना चाहिए। तो कितना होगा, 120 का राइट आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, कितना होगा, 30 से 35 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रोड पर तांबा कोटिंग का क्या उद्देश्य है। तो चार ऑप्शन है आपको बताना होगा राइट आंसर 121 का। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, जंग रोधक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में दिया गया चित्र में दिखाए गए वेल्ड जॉइंट में जो दोष है उसका नाम बताना, तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो चार ऑप्शन हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, इसको बोलते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन में कमी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 पे आ चुके हैं, क्वेश्चन पूछा वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड छह दोष के अधीन किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर कमेंट करिए। तो राइट आंसर हमारा होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया कच्चा जो लोहा है और निंदनीय लोहा और तांबे की कास्ट वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रोड का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी फिलर रोड का करेंगे, तो उसका जो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, कॉपर जिंक निकल फिलर रोड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में दिया ई बी 5426HJX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाएगा 125 का, देखिए जल्दी से। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ये दर्शाता है वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार को दर्शाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन में दिया गया कि गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथ की स्क्रीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसिडिटिंग गैस का क्या संयोजन है, इंपॉर्टेंट है, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे, तो
तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इज़ राइट आंसर हो जाएगा। सी 92.3% और एच जो होता है 7.7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है आकृति में दिखाई गई ज्वाला का नाम क्या है, तो देखिए ज्वाला का नाम बताना, चार ऑप्शंस है। तो इसका राइट आंसर हमारा, जल्दी से कमेंट करें, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी तटस्थ लॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है पर फिलर रॉड का कौन सा आकार 8 मिलीमीटर मोटी वेल्डिंग प्लेट जिसमें वी आकार का एज बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, तो किसका करेंगे। देखिए चार ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, इस राइट आंसर होगा 5.0 मिलीमीटर फाइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है 50 मिलीमीटर जे पाइप को वेल्ड करने के लिए कितने सेगमेंट जो जुड़े जाने हैं, तो कितने सेगमेंट जुड़े जाने कमेंट करिएगा। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा यानी 4 सेगमेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 131 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर एक मिनट, आपको यहाँ पर क्वेश्चन 131 में है, व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग ए पाइप विथ वॉल थिकनेस 6 mm मतलब 6 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपको बता देता हूँ, वाल की मतलब जो वाल है दीवार की जो मोटाई है 6 मिलीमीटर, एक साथ पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है, तो कितने की आवश्यकता होती है आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें, 131 का तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल वी की ज़रूरत होगी, मतलब जो वाल की जो मोटाई 6 मिलीमीटर के साथ एक साथ पाइप को गैस वेल्डिंग करने के लिए हम एकल वी प्रकार की एच की तैयारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया एक टी पाइप जॉइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाना चाहिए, तो कितने किए जाना चाहिए। 132 का जो राइट आंसर होगा हमारा, जल्दी से कमेंट करें, तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, 12 बराबर विभाजन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है, तो उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा, जल्दी से कमेंट करिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गोइंग के लिए एक नोज़ल के निर्माण की पहचान कैसे की जा सकती है, तो कैसे करेंगे। 134 का तो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, कैसे करेंगे, आधी तरह से परिपत्र नोकदार 6 होल के साथ नोज़ल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में देखिए AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है, तो देखिए क्या दर्शाएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, फ्लक्स कोटिंग का प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि पाइप की मोटाई 5 मिलीमीटर से अधिक है तो पाइप वेल्डिंग बट जॉइंट के लिए वेबल कोण कितना, जो वेबल का कोण कितना होना चाहिए इसके बारे में पूछा गया, तो कितना कोण होगा जल्दी से बताएं। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कितना कोण होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर
बी 75 डिग्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है, तो इम्पोर्टेंट है, तो उसका जो 137 का जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेराइट प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा 200 से लेकर 310 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करते चलना और चैनल पे पहली बार विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका सपोर्ट बहुत चाहिए, स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रूट रन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर, तो 39 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 139 का ऑप्शन नंबर बी, पहला रन ही रूट रन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, देखिए ऑप्शंस, इसका राइट आंसर होगा हमारा 140 के आ चुके हैं, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हमारा होगा बेयर इलेक्ट्रोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है, तो कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो उसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा 141 का डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंतरिक कोर तार के व्यास द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मानक इलेक्ट्रोड की लंबाई उपलब्ध होती है, तो कितनी होती है, देखिए चार ऑप्शंस दिए गए, तो राइट आंसर 42 का डी होगा, मतलब 500 मिलीमीटर से लेकर 600 मिलीमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, 143 का, तो इसका राइट आंसर 143 का क्या हो जाएगा, ए फाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया गया ई बी 54 26 एच 1 जे एक्स के इलेक्ट्रोड के वर्गीकृत में एक्स जो है वो अक्षर क्या दर्शाएगा, देखिए चार ऑप्शन हैं आपको बताना राइट आंसर, 144 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो देखिए चार ऑप्शन से दिए गए, तो राइट आंसर होगा 145 का सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी 0.30% से लेकर 0.6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज किए धातु के प्रभाव को क्या दोष कहा जाता है, तो क्या दोष कहेंगे, देखिए चार ऑप्शन से आपको बताना राइट आंसर 146 का, तो उसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ओवरलेप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वेल्डिंग दोष बताना है, तो देखिए चार दोष हैं आपको बताइए राइट आंसर, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए या क्रैक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 पे आ चुके हैं, आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है, तो देखिए चार ऑप्शन है 148 में, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 148 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फ्यूज़न की कमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से 149 का 50 होने वाला है 150 जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, तेज़ी से ठंडा होना। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, स्टील सामग्री का क्या नाम है, तो देखिए जो वेल्ड करने योग्य नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर, 150 पे पहुंच चुके हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं और डी हमारा ये रहा, फेराइट और मार्टेसिक स्टेनलेस स्टील इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चार ऑप्शन से 151 पर आ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी पाइप कटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है। तो चार ऑप्शन से आपको बताइए, राइट आंसर कमेंट करिए सभी साथी, जल्दी से बताएं। 152 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, जो पाइप वॉल थिकनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 153, किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होता है। तो चार ऑप्शन हैं, आपको बताना राइट आंसर। 153 का राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चार ऑप्शन से दिए, जल्दी से कमेंट करिए। 154 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, क्विंग चिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलें। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों निमी से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो इसको 55 का जो राइट आंसर है वो डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक समान संरचना के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रूट गैप स्थापित करने के उद्देश्य से क्या। चार ऑप्शन से दिएगा, आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर है, अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है, किसमें होती है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर 157 का सी इज़ राइट आंसर, तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 58 पे, इसमें दे आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए गर्म वेल्ड जॉइंट की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए चार ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर हमारा 158 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ राइट आंसर, पिनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है, तो किसमें होती है, 159 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, वाइट कास्ट आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, किस प्रकार का कास्ट आयरन नरम होता है, तो किसका नरम होता है, देखिए चार ऑप्शन है, 160 पर पहुँच चुके हैं, चार ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन पर, तो इसका जो राइट आंसर है 160 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रे कास्ट आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 मिलीमीटर मोटी MS सीट को वेल्ड करने के लिए किस फिलर रॉड के किस आकार का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करेंगे, देखिए चार ऑप्शंस हैं, तो कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा 161 का जो होगा, ए इज़ राइट आंसर, यानी 1.6 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का क्या मुख्य कार्य है, इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हमारा होगा 162 का, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, आर को स्थिर करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका 163 का राइट आंसर है, डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या, अतिरिक्त ऑक्सीजन को छोड़ना और पिघले हुए धातु को धक्का देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 164 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया, रिवेट हेड कटिंग के लिए किस गेजिंग नोजल का चयन किया जाता है। तो चार ऑप्शन से आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा, 3 पूर्व हीटिंग होल के साथ बेंट नोजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से देख लेना। ये पोर्टेबल कटिंग मशीन के जो एक्स जो भाग चिन्हित है उसका नाम बताना। तो ये आपका ऑप्शन से दिएगा, आपको राइट आंसर कमेंट करना 165 का। तो 165 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति नियंत्रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, कार्बाइजिंग लॉ में हमें क्या लाभ होगा। ऑप्शन से दिएगा, राइट आंसर कमेंट करना।
तो राइट आंसर हमारा 166 का डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्या होगा, शुद्ध एल्यूमिनियम कच्चा लोहा और पीतल वेल्डिंग के लिए उपयुक्त उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, उत्पन्न एसिड्रिलिन गैस में क्या दोष होता है। तो देखिए ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए, 167 नंबर का चार ऑप्शंस ये रहे, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो 167 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन धूल चूना धूल अमोनिया और जलवाष्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 168 का दिया, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर का उपयोग किस श्रेणी में किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हमारा होगा 168 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 120 से लेकर क्या होगा 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट वर्ल्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रोड का कोण क्या होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हमारा होगा 69 का ए इज़ राइट आंसर, 30 से 40 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एज प्रीपरेशन के बिना फोरहेड तकनीक द्वारा गैस वेल्डिंग करने के लिए कितनी प्लेट की मोटाई का उपयोग किया जा सकता है। तो कितनी करेंगे, 170 का हो जाएगा बी, अप टू 3.15 मिलीमीटर्स का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दिया, पीतल की वेल्डिंग में किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है। 171 का जो राइट आंसर होगा बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, बोरेक्स पेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को देखिएगा, गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील के प्लेटों के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो 172 में जो किया जाता है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कहता है जिंक क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैस वेल्डिंग एल्यूमिनियम के लिए किस फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाए 173 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा हमारा शुद्ध एल्यूमिनियम और 5% क्या होता है सिलिकॉन एल्यूमिनियम मिश्र धातु। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि गैस वेल्डिंग के लिए एल्यूमिनियम जॉब का प्री हीटिंग तापमान क्या होना चाहिए। देखो 174 का जो राइट आंसर को हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 250 सेंटीग्रेड से लेकर 400 सेंटीग्रेड का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का जो चयन करने के लिए आधार क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया। 175 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पाइप की दीवार की मोटाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक क्षैतिज रेखा में वेल्डिंग और लंबवत रूप से रखे गए पाइप के लिए ASME के अनुसार वेल्डिंग की स्थिति क्या है। तो जो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 176 का बी इज़ राइट आंसर, यानी 2G इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रकार मतलब किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। 5G वेल्डिंग होती है उसमें किस प्रक्रिया का पालन करेंगे, देखिए चार ऑप्शंस दिए गए। तो 177 का राइट आंसर डी हो जाएगा, किस में करेंगे, पाइप को 12 o'clock से 6 o'clock तक या तो अपहिल या डाउन हिल विधि से देखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, देखो CCMS फिलर रोड का कौन सा आकार 51.65 फिलर का उपयोग करके वेल्डेड पाइप 550 मिलीमीटर पाइप रूट के फिनिश रन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों 178 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 53.0 मिलीमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करता चलना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, 5 मिलीमीटर की मोटी दीवार पाइप को वेल्ड करने के लिए किस आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 179 का बी राइट आंसर, 3.15 मिलीमीटर फाई का उपयोग करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 पा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है कौन सा जो टेस्ट किसी धातु की कठोरता को इंगित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 180 का ए, ब्रिनल टेस्ट इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया, क्वेश्चन में दिया गया है कि किस प्रकार के प्री हीटिंग को केवल वेल्ड किए
जाने वाले भागों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो राइट आंसर 181 का हमारा हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय प्री हीटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह अलौ धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 182, सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, 182 का राइट आंसर होगा हमारा बी इज राइट आंसर होगा, क्या होगा विपरीत ध्रुवता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है जो होता है मोल्टन पुल पर किस प्रकार के आर्क का नियंत्रण नहीं होता है। तो कुछ तो किसका नहीं होता, 183 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबी आर्क की लंबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 184 का आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर आकार उत्पन्न करता है। तो कौन करता है, तो चार ऑप्शन से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज लंबी आर्क की लंबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 185 का दिया है, किस प्रकार की आर्क की लंबाई खराब पेनिट्रेशन पैदा करती है। तो 185 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबी आर्क की लंबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया पाइप वेल्डिंग में चार घड़ी की स्थिति क्या है। तो चार घड़ी की स्थिति 186 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, 6, 12, 3, 9 घड़ी बिंदु होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। 187 का आप आ चुके हैं, इसमें पूछा गया सी डब्ल्यू पाइप वेल्ड में 6 घड़ी की 5G स्थिति क्या है। चार ऑप्शंस आपको इस तरीके से मिलेंगे, 187 का जो राइट आंसर यहां पर जो रहेगा ओवरहेड की स्थिति इसका करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में दिएगा 6G स्थिति के तहत पाइप जो होता है वेल्डिंग पाइप के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 188 का जो राइट आंसर हमारा होगा डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, पाइप नहीं घुमाया और पाइप 45 डिग्री कोण जमा वेल्ड फ्लैट लंबवत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 189 पे आ चुके हैं, क्वेश्चन में दिया गया स्टेनलेस स्टील प्लेटों को वेल्ड करने के लिए किस तत्व फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 189 का, जल्दी से कमेंट करें, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, मोलिब्लेडेनम और कोलमीबियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 190 पे आ चुके हैं, क्वेश्चन में दिया गया है पीतल के आम मिश्र धातु तत्व कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा 190 का क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें, डी इज़ राइट आंसर, तांबा और जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया निम्नलिखित में से किस एल्युमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकॉन होते हैं। तो सुपर फास्ट डिवीजन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 191 का क्या हुआ, डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या हुआ डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी व्यावसायिक रूप से शुद्ध एल्युमिनियम का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 192 पे आ चुके हैं, क्वेश्चन में दिया गया गैस वेल्डिंग करने से पहले चादरों की सफाई का उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 192 का होगा ऑप्शन नंबर बी, पोरोसिटी से बचने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन पूछा किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक अलोह फिलर का उपयोग करती है। तो कौन सा है, चार ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रेजिंग इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा 194 का, इसमें देख किस वेल्डिंग प्रक्रिया में विभिन्न धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है, 194 का जो राइट आंसर क्या होगा, सुपर फास्ट रिवीजन में हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसी का भी ब्रेजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 195 सुपर फास्ट में ब्रेजिंग विधि द्वारा 2 मिलीमीटर हल्के स्टील को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस की लौ का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी लौ का करेंगे, 195 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण लौ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 196 आ चुके हैं सुपर फास्ट डिवीजन में वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है। तो 196 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा, ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, एसी वेल्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 197 वेल्डिंग में गर्मी के कारण विस्तार और संकुचन का क्या प्रभाव होता है। देखिए चार प्रभाव दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहे आपको कमेंट करके बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होगा 197 का, सी इज़ राइट आंसर हो जाए, विरूपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया विरूपण किस प्रकार जो आपके सामने दिखाया गया है, तो इसका बताना है कौन सा है। तो ये रहे ऑप्शन आपको बताना है कमेंट करके, 198 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
अनुप्रस्थ विकृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकृति को नियंत्रण करने के लिए वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि नहीं है उसके बारे में पूछा गया। तो देखिए 199 का राइट आंसर सुपरफास्ट में होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हैंड वेल्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विकृति को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 200 पे आ गए हैं हम। राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप बड़े इलेक्ट्रोड के साथ कुछ पास का उपयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आ चुका 201 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में दिया मध्यवर्ती टैक्स की लंबाई तय करने के लिए क्या नियम है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको राइट आंसर कमेंट करना। 201 पे सुपरफास्ट में आ चुके हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 से 4 बार प्लेट की मोटाई का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा सुपरफास्ट में 202 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोलिएबल कास्ट आयरन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च संपीड़ित शक्ति होती है। तो किसमें होती है, चार ऑप्शन दिए गए, इसका जो राइट आंसर 203 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया सुपरफास्ट में एल्बो जॉइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष का कोण क्या होता है। तो कितना होता है, देखिए चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा सुपरफास्ट में ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 90 डिग्री का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, गोलाकार गैस कटिंग के लिए किस विधि का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, तो 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्या होगा, गाइड क्लैंप का उपयोग करके टॉर्च को फिट करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया, डिपॉजिट बीड एक समान आकार में क्यों नहीं रहती है। तो 206 का राइट आंसर हमारा होगा सुपरफास्ट में ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्या होगा, ट्रेवल और कोण की गति में भिन्नता के कारण। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन में दिया किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया। तो आपको बताना, चार ऑप्शन दिए गए, आपको कमेंट करना है। 207 का राइट आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी या अनुप्रस्थ विरूपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो 208 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, लोहे का चूर्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है सुपरफास्ट में, लेफ्ट वर्ड तकनीक द्वारा नोजल पाइप का उपयोग करते समय 2.5 मिलीमीटर मोटी टेम्पलेट को वेल्ड करने के लिए फिलर रोड के किस आकार का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें जो हुआ 209 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2.00 मिलीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस प्रक्रिया से निर्माण के बाद भाग की स्ट्रेंथ जो होती है में वृद्धि होती है। तो उसका 210 का राइट आंसर होगा ए इज़ राइट आंसर, हार्डनिंग इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कास्ट आयरन घटक में दो दरार की मरम्मत कैसे होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुपरफास्ट में 211 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, स्थानीय प्री हीटिंग और लेफ्ट वर्ड जो वेल्डिंग तकनीक फ्लेम हर लेयर को गर्म करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो सुपरफास्ट में 212 का, कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया स्टील में भंगुरता की कमी का कारण बताती है। तो कौन बताती है 212 का सुपरफास्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, टेम्परिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में पोरोसिटी का क्या कारण है। तो उसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा 213 का ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, नम इलेक्ट्रोड का करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया, बेस मेटल में वेल्डिंग दोष क्या है जिसमें वेल्ड के नीचे तरफ मेटल पिघल जाता है और एक नीली जो होती है बन जाती है, लॉसी बन जाती है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन से दिए गए, ऑप्शन ए बी 214 का, और दो ऑप्शन ये रहे आपके, तो कमेंट करिए 214 का। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा,
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 214 का। यहाँ पर देखिएगा अंडर कट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 214 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए सुपर फास्ट में और वीडियो को शेयर करते जाना अपने स्टडी ग्रुप में। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया स्टील सामग्री का क्या नाम है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 215 का सुपर फास्ट में सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सी, क्या होगा ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया वेल्डिंग से पहले सतहों की जो सफाई ना करने के कारण क्या दोष होगा, तो चार ऑप्शन में 216 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सतह संरता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न 217 का आ चुका है, इसमें दिया गया है कि ब्रेज वेल्डिंग में पिघली हुई धातु में तरलता की कमी का क्या कारण है, तो चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त प्री हीटिंग से, करेक्ट आंसर हो जाएगा 217 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस वेल्डिंग विधि से क्या दोष समाप्त किया जा सकता है, तो कौन सा दोष समाप्त के चार ऑप्शन ये रहे 218 का राइट आंसर सुपर फास्ट में कौन सा होगा सी इज राइट आंसर, विरूपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्क वेल्डिंग के दौरान अधिक जो होता है स्पेटर के दोष का क्या कारण, तो उसका जो राइट आंसर होगा 219 का होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डिंग करंट बहुत अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 220 पे आ चुके हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है वेल्डिंग दोष क्या है जिसमें बेस मेटल के रूफ रूट बेस साइड बेस और वेल्ड रन के बीच में कोई फ्यूजन नहीं होता है, तो ये इसका राइट आंसर 220 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजन की कमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्र में दिखाया गया एक दोष है तो उसका नाम बताना, देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया उसका दोष बताना है, तो देखिए इसको 221 का जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी अंडरकट बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है वेल्डिंग करते समय बिगड़ी हुई धातु को छूने वाली लौ के भीतरी संघों का क्या परिणाम होता है, क्या परिमाण होता है, इसका जो राइट आंसर होगा 222 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा बैकफायर का कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लो पाइप को गलत झुकाव के कारण क्या दोष उत्पन्न होता है, तो उसका 223 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा वेल्ड जोड़ों में अंडरकट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 224 पे देखिएगा स्टेनलेस स्टील वेल्ड से स्केल और ऑक्साइड को कैसे हटाया जाता है, तो इसका 224 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा क्या होगा 9500 से लेकर कितना होगा 11000 सेंटीग्रेड तक हीटिंग और उसके बाद पानी में बुझाना। अगला क्वेश्चन आ चुका 225 का दिया गया, क्वेश्चन में दिया शीतलन के दौरान स्टेनलेस स्टील में वेल्ड जॉइंट के बकलिंग के लिए क्या बनता है, तो 225 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम तापीय चालकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लेटों की सतह संरेखण में रखने के लिए वेल्डिंग से पहले किए गए शॉर्ट वेल्ड का क्या नाम है, तो 226 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टैग वेल्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया, तो ये कौन सा विरूपण है ये आपको बताना है, देखिए चार ऑप्शन दिए गए 227 के आंसर के सुपर फास्ट में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुदैर्ध्य विरूपण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विरूपण को नियंत्रण करने की कौन सी क्या विधि है, तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शंस मिलेंगे, ये चित्र दिया गया और इसके ये रहे आपके चार ऑप्शंस, तो 228 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा डाइवर्जिंग अलाउंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरूपण में को नियंत्रण करने की एक ये भी विधि दी गई है, इस विधि का आपको नाम बताना है, तो उसका जो राइट आंसर होगा 229 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग अलाउंस, ये भी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी डाइवर्जिंग अलाउंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ये इसमें भी पूछा गया है कि किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया, तो इन सभी को अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए, तो जल्दी से कमेंट करिए। 230 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कोणीय विरूपण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया तरल धातु से फंसी गैस के वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार का दोष होगा, तो 231 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पोरोसिटी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा वेल्डिंग स्लैग
कंक्लूजन दोष होगा। तो 232 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्क वेल्डिंग करते समय करंट कम होने का से क्या होगा। तो 233 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेस मेटल के किनारे ठीक से नहीं पिघलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लेटों की एक वेल्ड सेटिंग पर मध्यवर्ती टक्स का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर 234 का राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर, संरेखित और ज्वाइंट की स्थिति बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 235 दिया गया, मुख्य कारण क्या है कि एल्युमिनियम को वेल्ड करना मुश्किल है। तो 235 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्साइड का निर्माण इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा 235 का जो ए वाला क्वेश्चन है, कटिंग फेस को काटने पर उसमें जो होता है गोजिंग का दोष कब लगता है। तो लगेगा ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा ए, बहुत पहले से गर्म करना। और ये लास्ट क्वेश्चन है सुपरफास्ट डिवीजन का, ये पार्ट फर्स्ट रहेगा हमारा वेल्डिंग का सुपरफास्ट डिवीजन में। वेज के आकार वाले क्षेत्र के साथ वेल्ड जॉइंट को झुकने वाले विरूपण को दूर करने के लिए हीटिंग क्या विधि है। तो इसका जो राइट आंसर 236 का होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिकोणीय हीटिंग इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आस्था करता हूँ वीडियो चले, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था जब हम के लिए एक या दो घंटे की मैराथन बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।